सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं टेकन 3 मोबाइल गेम में, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं L1, L2, R1, R2 बटन्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं और इन बटनों को कैसे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वीडियो को कंप्लीट देखेगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, आप आसानी से इसको की कॉन्फ़िगरेशन को करना सीख जाएंगे। अगर ऐसा ना हो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब, वीडियो को डिसलाइक कर देना, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुषार वर्मा, आप देख रहे हैं गेम टेक चैनल। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलते रहे उनकी नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ऑप्शन मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ये आगे सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन आ रहा है की कॉन्फ़िगरेशन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ मैं थोड़ी। की कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद अब हम हमारी स्क्रीन पर जहाँ भी R2 बटन शो हो रहा है उस पर टच करेंगे। R2 पर टच किया तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक चार्ट सा बना गया। आप इसमें कोई भी बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले ही सेलेक्ट कर लेता हूँ LP+RP। ये जो फर्स्ट चार दे रखे LP RP LK RK, ये चार बटन हमारे पास पहले से शो होते हैं नीचे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में, ये पहले से हमारे पास चार होता है। हमें नीचे वाले जो प्लस करके दे रखे हैं इनमें से कोई से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, आपको जो सुटेबल लगे आप वो सेलेक्ट करना। R2 में मैंने LP+RP सेलेक्ट कर लिया है, ये हो गया सेलेक्ट। अब हम टच करते हैं R1 पर। R1 पर टच किया, फिर से चार्ट आ गया। इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकेंड नंबर वाला LK+RK, हो गया ये सेलेक्ट। अब हम आते हैं L2 की तरफ। L2 पर टच करते हैं, ये हमारा राइट हैंड साइड में दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है R2 बटन कॉर्नर पर। इस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं थर्ड नंबर वाला ये ऑप्शन LP+LK, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं L1 की तरफ। L1 पर टच किया, इसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें RP+RK, ये हो चुका हमारा सेलेक्ट। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको खेल कर दिखाता हूँ, आपको दिख जाएगा खुद ही कि हाँ ये बटन काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आर्केड मोड ही सेलेक्ट कर लिया। चलो प्रैक्टिस मोड में करते हैं, हम प्रैक्टिस मोड में आसानी से दिखेगा आपको। ये हमने प्रैक्टिस मोड में, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना फॉरेस्ट लो, मेरा फेवरेट प्लेयर है, आपका जो भी हो आप वो सेलेक्ट कर लेना। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड भी प्लेयर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इससे खेल के दिखाता हूँ आपको की कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। आपको यहाँ साफ साफ दिख जाएगा कि R1 R2 और L1 L2 बटन चल रहे हैं, आपके काम कर रहे हैं। चलो पहले मैं R2 का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। R2 बटन देखिए, R2 बटन क्या करता है आपका। ये R2 बटन से मैंने पावर पंच मारा। ये पावर पंच कैसे मारते हैं मैंने एक वीडियो में सिखा रखा है, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। ये इसको की कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से और आसान हो जाता है। अब हम दिखाते हैं R1 बटन का यूज़ करके। R1 बटन देखिए ऐसे इस तरीके से फ्लाइंग किक मार रहा है, इस टाइप से ये भी काम कर रहा है, ये देखिए। अब दिखाता हूँ मैं L1 बटन क्या काम करता है आपका। L1 बटन कोई पटकी देने वाला है, ये देखिए L1 बटन ने पटकी दे दी आपको। अब मैं दिखाता हूँ L2 बटन का यूज़ करके। L2 बटन देखते हैं क्या करता है। L2 बटन ये वाली पटकी दे रहा है इस तरीके से की कॉन्फ़िगरेशन करके। आई होप आपको ये वीडियो में सीख गए होंगे आप ये आसानी से की कॉन्फ़िगरेशन करना, मतलब L1 L2 R1 R2 बटन्स का यूज़ करना। फिर भी अगर आपको ये ना आया तो आप मुझे कमेंट में बताकर पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी को ये सीखना हो तो उसके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।